नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षाओं में, जो विज्ञान की पिछली कक्षाओं में, हम रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे कि रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या है, इसमें कौन कौन से अंग जो है सम्मिलित होते हैं। जिसमें हमने आपको ब्लड के बारे में बताया था कि रुधिर होता है इसमें, हृदय होता है, और एक होता है रुधिर वाहिनियाँ होती हैं। क्योंकि हम रुधिर के बारे में पढ़ चुके हैं कि रुधिर क्या है, कितने प्रकार का रुधिर होता है, रुधिर की संरचना कैसे होती है, रुधिर का कार्य क्या होता है। इसके बाद हम दूसरी क्लास में हम हृदय के बारे में पढ़े थे कि हृदय की कार्य विधि कैसे होती है, हृदय की संरचना कैसे होती है, हृदय किस प्रकार से ब्लड का पंप शरीर के विभिन्न भागों में करता है। अब चूंकि बात यह आती है कि हृदय हमने पढ़ लिया, हमने ब्लड पढ़ लिया, हृदय पंप करता है ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचने के लिए। लेकिन अब यदि रुधिर वाहिनियां नहीं रहेंगी तो हृदय पंप करेगा ब्लड को, तो जो रुधिर होगा किसके माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में जाएगा, तो उसके लिए रुधिर वाहिनियां होना बहुत ही आवश्यक है। तो उसका तीसरा जो हम आज पढ़ने चल रहे हैं, आज हमारा जो टॉपिक है वह है रुधिर वाहिनियां। कि रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो हम चलते हैं अपने क्लास की तरफ। रुधिर वाहिनियां हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले समझते हैं रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं। तो रुधिर वाहिनियां मैंने आपको बताया कि रुधिर वाहिनियां जो होती हैं ये ब्लड को या रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं, और विभिन्न भागों से क्या करती हैं, शरीर मतलब हृदय में पुनः वापस जाती हैं। रुधिर वाहिनियों की जो मोटाई होती है, जो व्यास होता है, 1 सेंटीमीटर से लेकर के 0.01 मिलीमीटर तक होता है। किसका? रुधिर वाहिनियों का व्यास होता है। और रुधिर वाहिनियाँ जो होती हैं, जो ब्लड होता है वो एक ही दिशा में प्रवाहित करती है। जितनी रुधिर वाहिनियाँ होती हैं उनमें ब्लड का जो है प्रवाह एक ही दिशा में होता है, दूसरी दिशा में ब्लड का प्रवाह नहीं होता। क्योंकि उसमें कुछ रुधिर वाहिनियों में क्या होता है, कपाट लगे होते हैं जो रुधिर को तो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं, लेकिन वापस क्या होते हैं, उस रास्ते से फिर वो नहीं आती। कहने का तात्पर्य यह है कि रुधिर वाहिनियाँ जिस रुधिर वाहिनियों के माध्यम से ब्लड वापस मतलब शरीर के विभिन्न भागों में जाता है, उस रुधिर वाहिनी से वो वापस पुनः हृदय में नहीं आता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रुधिर वाहिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की। पहला है धमनियाँ, इसे हम कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? हम आर्टरीज कहते हैं। आर्टरीज क्या होता है, हमने आपको बताया था जब मैं हृदय पढ़ा रहा था कि आर्टरीज, इसी के द्वारा रक्त क्या होता है, हृदय से विभिन्न भागों में पहुंचता है। इसके बाद हमने आपको पिछली कक्षा में बताया था बीपी के बारे में, ब्लड प्रेशर के बारे में, कि जो रक्त होता है वो रुधिर के वो धमनियों पर ही क्या दाब डालता है, जिसे हम रक्तदाब बताए थे। क्योंकि जो हमारा रक्त है और जो हमारे शरीर जो हमारे रुधिर वाहिनियों पर दाब डालता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब हमारे शरीर मतलब रक्त वाहिनियों पे लगता है, कहने का मतलब धमनियों पे लगता है। तो अब सबसे पहले धमनियाँ क्या होती हैं। धमनियाँ जो होती हैं ये काफ़ी मोटी जो धमनियाँ होती हैं ये शरीर में काफ़ी गहराई में होती हैं। इनकी जो मोटाई होती है काफ़ी ये मोटी होती हैं, जो मोटी इसलिए होती हैं ताकि वो रक्त के दबाव को सह सकें। इसके रक्त के दबाव को सह सकें जो हमारे हाथ में सामने दिखाई पड़ रहा है एपिडर्मिस के नीचे, जो एपिडर्मिस के नीचे नसें दिखाई पड़ रही हैं ये धमनियां नहीं है, सिराएं होती हैं। तो जो धमनियां होती हैं, पहली बात धमनियां में क्या होता है, ये शरीर के काफ़ी गहराई में स्थित होती हैं। क्योंकि धमनियों के द्वारा ही शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचता है। इसमें एक चीज़ और समझते हैं हम, एक धमनियों में एक होता है महाधमनी, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में एरोटा। क्या कहते हैं? हम एरोटा कहते हैं। इसके बारे में समझ लेते हैं। यही जो एरोटा होता है, जब हम आपको हृदय पढ़ा रहे थे हमने आपको बताया था एक महाधमनी और एक सिराए में बताया था, तो जो महाधमनी होती है ये सबसे बड़ी धमनी होती है। धमनियों में महाधमनी सबसे बड़ी धमनी होती है, जो जो हृदय के बाएं निलय से, किधर से? बाएं निलय से क्या होता है, रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। हमने आपको बताया था कि निलय से ही, बाएं निलय से शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है, और दाएं निलय से जो रक्त होता है वो कहाँ, हमारे फेफड़े में पहुंचता है। तो जो निलय होता है वो हृदय में नीचे होता है, जबकि अलिंद क्या होता है, ऊपर होता है। निलय जो बाएं, हम बताएं जो महाधमनी होती है
वहाँ वहाँ जो है वो बाएं नीले से जुड़ी होती है, जो शुद्ध रक्त को शरीर के विभागों में पहुँचाती है। अब इसमें एक अपवाद हमने पहले बता था, आज भी सुन लीजिए। एक अपवाद होता है जिसे हम कहते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुसीय धमनी, जो किससे, किधर, जो दाएं दाएं नीले से जुड़ी होती है, जो अशुद्ध रक्त को, किसको, अशुद्ध रक्त को फेफड़े तक पहुंचाती है। किसके लिए? शुद्ध होने के लिए। तो इसमें, क्योंकि फिर समझ लीजिए, धमनियों का मेन काम क्या होता है, वो रक्त को, शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना। बस में एक अपवाद क्या, जिसे हम पल्मोनरी धमनी कहते हैं या इसी को हम फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, ये किसका काम क्या होता है, अशुद्ध रक्त को शरीर के, मतलब अशुद्ध रक्त को दाएं नीले से फेफड़े तक पहुँचाना होता है। अच्छा, अब हम चलते हैं, पढ़ते हैं सिराए, एक चीज़ समझ लेते हैं। धमनियों, जो हमारे शरीर में धमनियाँ होती हैं, उनकी संख्या होती है 250, अर्थात 250 धमनियाँ हमारे शरीर के विभिन्न भाग अंगों में पाई जाती है। कितनी? 250। ये याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यूनिक चीज़ हम आपको बता रहे हैं। धमनियों की संख्या कभी कभी परीक्षाओं में पूछ जाता है कि हमारे शरीर में कितनी धमनियों की संख्या कितनी है, उसको आप याद कर लीजिए। धमनियों की संख्या कितनी है, होती है 250 होती है। चलते हैं सिराओं पे। सिराएं क्या होती हैं? सिराएं ये शरीर के ऊपरी भाग पर दिखाई पड़ जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो त्वचा के नीचे हमारी नसें दिखाई पड़ रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, सिराएं कहते हैं। सिराओं का क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त को, ये क्या होता है, ये अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों से कहाँ तक, हृदय तक लाती हैं। हृदय में कहाँ, हृदय के दाएं अलिंद में, और दाएं अलिंद से ही क्या होता है, ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, दाएं नीले में, और वहाँ से फिर पंप कर जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़े में, कहाँ, साफ होने के लिए। एक चीज़ इसमें देखिए, इसमें एक होता है, इसे हमने धमनी में पढ़ा महाशिरा, इसमें क्या होता है, एक सॉरी इसमें हमने धमनियों में पढ़ा एक महाधमनी होती है, इसी प्रकार सिराओं में एक महाशिरा होती है, ये हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। समझिए ध्यान से, जो महाशिरा होती है उस हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है। क्यों करती है, हमने आपको बताया कि जो दाहिना भाग होता है हृदय का, उसमें अशुद्ध रक्त होता है। अशुद्ध रक्त का तात्पर्य क्या है, अशुद्ध रक्त का तात्पर्य यह है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो क्योंकि हमारे जितने भी शरीर के जितने भी अंग हैं, सबको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि दाहिना जो भाग होता है हमारे हृदय का, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अशुद्ध रक्त होता है, और अशुद्ध रक्त में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो उसकी आपूर्ति के लिए जो महाशिरा होता है वो हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है, ताकि हमारे हृदय का दाहिना भाग भी उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और भी ऊर्जा बना सके। अच्छा, तीसरा हमारा इसको समझते हैं, इसकी भी संख्या, जिस प्रकार से हमारे शरीर में धमनियों की संख्या 250 होती है, उसी प्रकार सिराओं की संख्या कितनी होती है, 175 अर्थात 175 होती है। तीसरा हमारा है, हमने पर क्या पढ़ा, धमनी पढ़ा हमने, दूसरा हमने सिरा पढ़ा, तीसरा पढ़े हैं रुधिर केशिकाएँ। रुधिर केशिकाओं को समझना बहुत जरूरी है, ये सबसे महीन होती हैं, ये शरीर में सबसे महीन धमनी होती है, कहने का इनकी मोटाई एक कोशिका की मोटाई के लगभग बराबर होती है। कितनी, जितनी एक कोशिका की मोटाई होती है उतनी हमारी किसकी जो है, क्या बता रहे हैं, रुधिर केशिकाओं की मोटाई उतनी होती है। रुधिर केशिकाएं का काम क्या होता है, ये सिराओं को और धमनियों को आपस में जोड़ने काम करती हैं। क्या करती हैं, ये सिराओं को धमनियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो रुधिर वाहिनियाँ ये महाधमनी और महाशिराओं के अग्रभाग पे क्या होती हैं, पाई जाती हैं, जो बहुत महीन महीन संरचनाएं होती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, हमने आपको पहले बताया कि जो रक्त होता है रुधिर एक ही दिशा में प्रवाहित होता है, क्योंकि जो ये हमारी जो सॉरी सिरा है इसमें कपार, कुछ सिराओं में क्या होते हैं, कपार लगे होते हैं, जो ब्लड को क्या करते हैं, ब्लड को हृदय में तो आने देते हैं अशुद्ध रक्त को, लेकिन पुनः उसको पीछे नहीं जाने देते, क्योंकि हमने आपको पहले बताया था कि रुधिर वाहिनियाँ एक ही दिशा में क्या होती हैं, इसमें रुधिर क्या होता है, एक दिशा में प्रवाहित होता है। तो एक चीज, इस प्रकार से धमनियों में फुफ्फुसीय धमनी होती है, उसी प्रकार सिराओं में क्या होता है, फुफ्फुसीय सिरा होता है, जिसको हम पल्मोनरी सिरा कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है, कहाँ से आता है शुद्ध रक्त, समझ लीजिए, शुद्ध रक्त जो होता है हृदय से आता है बाएं अलिंद में, कहाँ आता है, हृदय से आता है बाएं अलिंद में। हमने आपको जब हृदय बता पढ़ा रहे थे, हमने बताया था कि जो बाया अलिंद होता है,
उसमें शुद्ध रक्त होता है, जो और जो दायां लिंद होता है उसमें अशुद्ध रक्त होता है, अर्थात हृदय का जो बायां भाग होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है और दाहिने भाग में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। अब ये शुद्ध रक्त कहाँ जाता है, हमें बताया कि जो जो फेफड़े में रक्त शुद्ध होता है वो शिरा फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ पहुँचता है, बाएँ अलिंद पहुँचता है, और बाएँ अलिंद से कहाँ पहुँच जाता है, फिर नीलम पहुँच जाता है, फिर ब्लड क्या होता है, पंप हो जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में पहुँच जाता है। तो ये रक्त प्रसंस्करण तंत्र आज खत्म हुआ, हमने आपको तीनों अंगों के बारे में डिटेल्स पढ़ाया, हमने आपको जो है ब्लड के बारे में पढ़ाया, जो है हृदय के कार्यविधि संरचना के बारे में बताया, तीनों हमने आपको बताया, जो जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं धमनी सिरा और रुधिर केशिकाओं के बारे में बताया। तो ये पूरा जो है आपका आज ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला एक टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है, हम पहले भी बताए थे आज भी बता रहे हैं, वो है ब्लड ग्रुप, मतलब रक्त समूह क्या है और मतलब RH फैक्टर ये क्या है, इसके बारे में आपको अगली कक्षा में बताएंगे कि ब्लड ग्रुप क्या है, किस प्रकार से ब्लड का डोनेट किया जाता है, किसको कौन सा ब्लड दिया जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वग्राही होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होता है, और RH फैक्टर क्या है, एक चीज़ हम आपको अगली क्लास में बताएंगे कि यदि माता पिता में दोनों का ब्लड ग्रुप भिन्न है तो उनके जो बच्चे होंगे उसमें किस प्रकार, उसमें कौन सा ब्लड ग्रुप, जब बच्चा पैदा होगा जो बच्चा जन्म लेगा उसका जो ब्लड होगा उसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसको हम आपको अगली कक्षा में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए, यदि आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करेंगे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों को एनर्जी मिलेगी, हम आपके सामने अच्छे अच्छे और मेहनत से जो है अच्छे अच्छे जो है क्लास आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।